नमो उभछायाणं नमो लोये सपिशाहूर्णं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोचितम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगल में मंगल करण बीत राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोचे उपाय यही मोचे उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह उनकी अनुपम कृति मुच्छ मार्ग प्रकाशक जी पर हमारा दूसरे अधिकार पर स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पंडित जी जो हमारी वर्तमान अवस्था है, जिस अवस्था में अभी हम हैं, उस अवस्था के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो ये कर्म बंधन रूपी रोग है, उस रोग के कारण हमारी कैसी कैसी अवस्था हो रही है, उस अवस्था का पंडित जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जिससे हमको ये निश्चय हो कि हाँ हमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है। कि वास्तव में हम देखें तो हमको अभी ये निश्चय ही नहीं है कि ये कर्म बंधन रूपी रोग हमको है। अभी हमने पढ़ा सुना है, लेकिन एक निश्चय में हमारे में नहीं आया है, क्योंकि यदि जीव के निश्चय में यह आ जाए कि उसको ये रोग है, तो वो उस रोग को दूर करने के लिए व्याकुल रहता है कि ये रोग मेरा किसी भी तरह से दूर हो जाए। और जब तक उसको ये विश्वास ना हो कि मुझे रोग है, तब तक वो रोग के इलाज की टेंशन भी नहीं लेता कि मुझे रोग का उपाय करना है। तो इसीलिए पंडित जी पहले उस रोग के कारण कैसी कैसी अवस्था होती है जीव की, उसका वर्णन करके हमको ये आवाज कराना चाह रहे हैं, हमको ये निश्चय कराना चाह रहे हैं कि हाँ ये कर्म बंधन रूपी रोग हमको है, इस रोग के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं, और हम जो उपाय कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो सही उपाय पंडित जी बताएंगे, और उस उपाय का साधन करने से हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए पंडित जी संसार अवस्था का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले वो कर्म बंधन का निदान, कि जो कर्म बंधन रूपी रोग है वास्तव में ये हुआ कैसे है, क्योंकि कुछ ना कुछ का कारण होगा किसी भी रोग के होने का, तो ये रोग हुआ कैसे है। तो ये जो कर्म बंधन रूपी रोग है वो अनादि से ही हमारे साथ है, कि ऐसा नहीं है कि कोई नया हुआ हो। उसमें पंडित जी ने ऊपर जैसे मेरुगिरी आदि स्कंदों का एग्जाम्पल दिया था कि उद्गल परमाणुओं का वो स्कंद अनादि से है, ऐसा नहीं है कि उनका संयोग आज नया हुआ हो। ऐसा भी नहीं है कि पहले जीव अलग हो, कर्म अलग हो, बाद में जीव ने कोई गलती की और उससे वो कर्म आके जुड़ गए, ऐसा भी नहीं है। वो जो कर्म बंधन रूपी रोग है वो अनादि से है, और उसकी पंडित जी यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं। उसकी देखो यहाँ पर पंडित जी सिद्धि एग्जाम्पल से, आगम से और न्याय से, तीनों से करेंगे। कि देखो ऊपर पंडित जी ने एग्जाम्पल से किया, जैसे मेरुगिरी आदि स्कंद का उदाहरण दिया, तो उससे पंडित जी ने ये सिद्धि किया कि हाँ ये जो कर्म बंधन रूपी रोग है वो अनादि से है। और अब आगम का रेफरेंस लेके प्रोफेसर शाह जी की गाथा ली है, यहाँ पे गाथा नंबर 121, उसके आधार से बता रहे हैं कि कर्म का जो बंधन है वो अनादि से है। और उसके बाद न्याय न्याय की कसौटी पे भी रख के पंडित जी सिद्ध करेंगे अभी अगले पेज पे कि कर्म जो कर्म बंधन है वो अनादि से ही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि
द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है और फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है। यदि हम है तो ऐसा ही, लेकिन इसका स्वरूप भलीभांति ख्याल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो गया, द्रव्य कर्म उदय में आया, फिर भाव कर्म हो गया, फिर उससे द्रव्य कर्म हो गया। यदि ऐसा होगा तो वो परिपाटी कभी टूटेगी ही नहीं, क्योंकि वो टूट कैसे टूटेगी कैसे फिर, कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, तो फिर तो परिपाटी चलती रहेगी कि वो उसके कारण कहीं पर कोई रुका भी नहीं होगा और ना कोई उसका कंक्लूजन निकलेगा। जैसे कल राम और श्याम के घर की बात की थी कि राम का घर कहाँ पे है, श्याम के घर के पास, और श्याम का घर कहाँ पे है, राम के घर के पास। तो ना तो कोई डिसीजन हमारा कंक्लूजन निकलेगा कोई इस पे कि राम और श्याम का घर कहाँ पे है, तो बात चलती रहेगी, कितना भी बात कर लो, उसका घर उसके पास, उसका घर उसके पास। तो ऐसा ही फिर यहाँ भी चलता रहेगा कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो उसके उत्तर के लिए तो पंडित जी ने तर्क दिया कि यहाँ तो इतने तरह से दोष आता है। इतने तरह से दोष का मतलब यह है कि हम किसी एक बात को बताने के लिए दूसरी बात का सहारा लें और फिर दूसरी बात को बताने के लिए पहली बात का सहारा लें, तो इस तरह से उन दोनों ही बातों का कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि उसकी बात की तो उसका आश्रय ले लिया, उसकी बात की तो उसका आश्रय ले लिया, एक दूसरे के सहारे एक दूसरे की बात कर ली, तो दोनों ही बातों का कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ऐसी कंडीशन में इतने तरह से दोष लगता है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने प्रश्नाचार्य जी में कहा है कि नहीं, यहाँ पर इतने तरह से दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि जो द्रव्य कर्म उदय में आया और जो द्रव्य कर्म भावों के अकॉर्डिंग बंधा, वो दोनों द्रव्य कर्म एक ही नहीं है, नाम एक ही है। कि जो द्रव्य कर्म उदय में आ रहा है वो भी द्रव्य कर्म है, और जो भावों के अनुसार जो कर्म हमसे बंध रहा है उसका नाम भी द्रव्य कर्म है। नाम सेम होने पर भी वो दोनों सेम नहीं है। कि जो द्रव्य कर्म उदय में आया वो हमने पहले बांधा था और वो अब उदय में आके निचरित हो गया, उदय में आया, उसने अपना फल दिया, वो चला गया। अब जो उसके अकॉर्डिंग हमने भाव किए, उन भावों को निमित्त बना के जो द्रव्य कर्म बंधा, वो द्रव्य कर्म, वो वाला द्रव्य कर्म नहीं है कि जो उदय में आया था। यदि ये तो बंधने वाला द्रव्य कर्म वही वाला होता, पुराना वाला, तो हम कह सकते थे कि फिर तो कर्म बंध का कभी अंत ही नहीं होगा, फिर तो कर्म बंधन रूपी रोग से जी मुक्ति नहीं हो पाता यदि ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो द्रव्य कर्म नाम सेम है लेकिन द्रव्य कर्म दोनों सेम नहीं है। वो द्रव्य कर्म पुराना था, उदय में आया, उसने अपना फल दिया, जैसा उसका अनुवाग था वैसे अनुवाग रूप उसने फल दिया, और हमने उसमें रम के, उसमें ढल के जैसा भाव किया, चाहे उसमें ढल के किया हो, चाहे अपने पुरुषार्थ पूर्वक अपने पुरुषार्थ को तीव्र करके कर्म में ना रम के ऐसा भाव किया हो, जैसा भाव किया हो उसके अकॉर्डिंग, जैसा कर्म बंधना था, जैसा उसका फल आना था, वैसा कर्म बंध गया, और जो कर्म बंधा वो कर्म अलग था। तो इसीलिए यहाँ पे ये परिपाटी नहीं चलती कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, वो नाम सेम है लेकिन है दोनों में अंतर। तो भाई पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार, नीचे नीचे की लास्ट लाइन है कि इस प्रकार इतने तरह से दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का सेम सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है। कि जो अनादि से द्रव्य कर्म बंधा हुआ है वो उदय में आ रहा है, वो उसका कारण है, और जो भाव कर्म से बंध रहा है उसका कारण भाव कर्म है और वो नया है। इसमें यहाँ पे ये पूरा खोला नहीं है, लेकिन वो 121वीं गाथा हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट ऐसा कि जो द्रव्य कर्म बंध रहा है वो नया है, और जो उदय में आ रहा है वो पुराना है, वो तो फल दे के चला गया, तो वो तो अब रहा ही नहीं। द्रव्य कर्म तो नया बंधा है, वो नया है, इसीलिए वो परिपाटी नहीं चलती। देखो ऐसा यहाँ पे अब आगम के आधार से कह दिया, अब पंडित जी न्याय और युक्ति से बताएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, ऐसा आगम में कहा है, कैसा कहा है आगम में, कि जैसा मैंने बताया है, जैसा यहाँ वर्णित किया है, जैसा आचार्य कुंद कुंद ने प्रशंसा जी में बताया है कि कर्म बंध अनादि से है, ऐसा आगम में कहा है, तथा ये नेक्स्ट पेज करना, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कि यदि हम न्याय या युक्ति की कसौटी पे देखें तो भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक
ये नेक्स्ट पेज करना कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाएं तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। देखो पंडित जी क्या कह रहा है कि युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि यदि हम कहें कि कर्म कर्म निमित्त नहीं था, जीव को रागादिक भाव पहले से ही थे, तो यदि उस कर्म के बिना रागादिक जीव को पहले से ही कहे जाएं तो फिर वो रागादिक जीव का ही स्वभाव हो जाए कि फिर तो सिद्ध दशा में भी वो रागादिक स्वभाव पाया जाए, क्योंकि जो स्वभाव है वो तो कभी जीव से अलग नहीं होता। कि तो यदि हम उसके कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादिक कहें तो फिर रागादिक जीव का क्या हो जाए, स्वभाव हो जाए। और ऐसा संभव है नहीं कि जो रागादिक है वो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा हमने प्रत्यक्ष जाना है। मीन्स हमने जिन्हें भगवान की वाणी से ऐसा जाना है कि जो रागादिक है वो जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि है, जो अरिहंत परमेष्टि है, वो पूर्ण रूप से वीतराग विज्ञान के धारी हैं। तो उन्होंने पूरी पूर्ण रूप से रागादि का नाश किया है और स्वभाव का कभी नाश हो नहीं सकता, इसीलिए रागादिक जीव का स्वभाव है नहीं। और इसीलिए कर्म के निमित्त बिना जीव को रागादिक कहें तो जीव का स्वभाव ठहरे, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कर्म का संबंध तो अनादि से ही मानना कि जो ये कर्म का संबंध है वो अनादि से ही है। और देखो अनादि से जो है उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता कि कोई भी चीज है जो अनादि से है उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता। जैसे हम किसी भी चीज को देखें, जैसे ये लौकिक में जो गाते हैं कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा, तो वहां ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि वो प्रक्रिया अनादि से है, वो प्रक्रिया आज नई नहीं है, वो प्रक्रिया तो अनादि से है। तो इसीलिए कर्म का जो संबंध है वो अनादि से ही है, वो कोई नया नहीं हुआ है। इसीलिए जो ये कहें कि जो निमित्त कहा जाता है कि रागादिक निमित्त है द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म निमित्त है भाव कर्म है, वो जो नवीन कर्म बंधन हो रहा है अभी उसमें है। नवीन कर्म बंधन को पंडित जी अभी बताएंगे आगे, बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छी तरह से पंडित जी ने वो नवीन बंध विचार आगे आएगा, अभी वो बहुत अच्छे से लिखा है कि उसमें वो संभव है निमित्त पन्ना, लेकिन जो अनादि से कर्म संबंध है हमको उसमें निमित्त पन्ना संभव नहीं है। देखो यहाँ आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है। कि देखो जो द्रव्य है वो तो सभी न्यारे न्यारे हैं, सभी द्रव्यों का अपना स्वरूप है, सभी द्रव्यों के अपने संकारक हैं, सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता नहीं, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता नहीं, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य पे उपकार या अपकार करता नहीं। तो जब सभी द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप है, तो फिर उनका अनादि से संबंध कैसे संभव है। ये शंका किसी को भी हो सकती है कि सही बात है कि जब द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं है, तो उनका संबंध हो कैसे गया, ये संभव कैसे है कि अनादि से उनका संभव हो गया, क्योंकि किसी ने अपना स्वभाव छोड़ा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कोई द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ दे, क्योंकि सभी द्रव्यों में अगुण लघुत्व गुण है, और अगुण लघुत्व गुण ही क्या कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते, अगुण गुण की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप जब होता ही नहीं है तो अनादि से उनका संबंध कैसे हो गया। तो देखो पंडित जी कितना बहुत सुंदर समाधान करने वाले हैं इसका, कि जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किटिक्का का, तुष कण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। देखो जैसे जल और दूध, जो जल अभी मिलाया है उसकी बात नहीं हो रही, कि जैसे जो दूध आया है डायरेक्टली गाय से या भैंस से, तो उसमें भी जल की मात्रा तो है, तो वो भी जो, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने
हाँ, गाय या भैंस के पेट में जाके पानी मिलाया हो, कि वो तो ऐसा ही ऑटोमेटिकली सिस्टम है कि वो दूध के साथ जल आता ही है, तो जल और दूध का जो मिलाप है वो अनादि से है, उसमें ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि जल आया कहाँ से या दूध में मिला कैसे, वो तो अनादि से ऐसा है, अनादि से ऐसा सिस्टम चल रहा है कि जल और दूध का अनादि से मिलाप है। अब जैसे सोना है, सोना जो खदान से आता है तो उसमें किटिक का भी मिली हुई आती है, उसमें अशुद्धि मिली आती है, इसलिए जब उसको सुलह ताप देते हैं शुद्ध करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं वो किसी ने खान में जाके वो अशुद्धि मिलाई हो सोने में, कि वो तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही सिस्टम है कि वो सोना जब निकलता है तो उस अशुद्धि के साथ ही निकलता है, वो जो अशुद्धि है जो सोना किटिका का संबंध है वो तो अनादि से ही है, वो कोई नया नहीं हुआ है। जैसे तुस और कण का, कि जब हम गेहूं को बोते हैं, जब उसका जब उसमें गेहूं लगते हैं तो गेहूं केवल गेहूं नहीं लगते, उसके साथ तुस भी आता है, उसके साथ उसकी जो झाड़ फूंक है वो भी आती है, तो वो भी है ना, वो भी ऑटोमेटिकली है, ऐसा तो है नहीं वो किसी ने ऐसी प्रोसेस की हो कि ऐसा बीज बनाया हो कि हाँ गेहूं के साथ ऐसा भी आए, वो तो ऑटोमेटिकली आता ही आता है। तो जैसे जल दूध का, सोना किटिका का, तो उस कण का और तेल तिल का, कि अब जो तिल आता है उसमें भी तेल आता है ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है किसी ने इंजेक्शन से तेल डाल दिया हो उसमें अंदर तिल में, तो वो तिल में भी तेल का संबंध अनादि से है। तो जैसा संबंध जल दूध का, सोना किटिका का, तुस कण का और तेल तिल का देखा जाता है, उनका कोई नवीन मिलाप नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि वो नवीन ही मिले हों, तो उनका नवीन मिलाप हुआ नहीं। वैसे ही जीव का भी कर्म के साथ संबंध जानना, कि जैसा अनादि से जल दूध का संबंध है, सोना किटिका का संबंध है, तुस कण का संबंध है, तेल तिल का संबंध है, वैसा ही संबंध अनादि से जीव और कर्म का जानना, इनका भी नवीन मिलाप नहीं हुआ है। फिर तुमने कहा कि कैसे संभव है, कि फिर ये क्वेश्चन ऊपर आया था ना कि ऐसा संबंध कैसे संभव है, तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं, इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित होता नहीं। कि देखो जैसे कई द्रव्य हैं जो भिन्न भिन्न ही हैं, वो द्रव्य तो मिले हुए हैं नहीं, और जैसे ये एग्जाम्पल दिए जल दूध है, सोना किटिका है, तुष्कण है, तेल तिल है, ऐसे कुछ द्रव्य हैं कि जो आपस में मिले हुए हैं, तो कुछ द्रव्य भिन्न भी हैं, कुछ द्रव्य मिले हुए भी हैं, तो जैसे जल दूध है तो वहां पर ये क्वेश्चन नहीं उठता कि ये कैसे मिले, या जब हमारा गेहूं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं आता कि उसके साथ ये चीज भी क्यों आई, तिल के साथ तेल क्यों आ रहा है। तो जैसा मां संभव है वैसा ही जीव और कर्म के केस में भी संभव है, वहां भी कोई विरोध भाषित नहीं होता, जैसा विरोध तेल तिल के केस में नहीं है, जल दूध के केस में नहीं है, वैसा ही विरोध जीव और कर्म के केस में भी नहीं है, कि जीव और कर्म का भी संबंध वैसे ही है। फिर देखो कि फिर प्रश्न उठता है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले, देखो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई हमने कहा कि इसका और उसका संबंध हो गया, तो संबंध कब पॉसिबल है, जब वो पहले अलग अलग हो और बाद में मिले हो, तभी ये कहा जा सकता है कि भाई इनका संबंध हो गया या इनका संयोग हो गया। तो जब हम कह रहे हैं कि जीव और कर्म का संबंध है, तो संबंध कैसे कहा जा रहा है, जब वो पहले भिन्न है ही नहीं, तो अनादि से ही मिले हुए हैं, तो संबंध कहना संभव कैसे है, कि संबंध या संयोग कहना तो तभी संभव है जब वो पहले भिन्न हो बाद में मिले हैं, जब ये अनादि से मिले हुए हैं तो उनको संबंध कैसे कहा है, कि जीव और कर्म का संबंध है, ये वर्ड कैसे आया। तो देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसीलिए पहले भी भिन्न ही थे, इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। कि देखो अनादि से वो मिले हुए थे लेकिन वो बाद में भिन्न हुए, तब हमने जाना कि भिन्न थे, जैसे सोना और किटिका है, जब खदान से सोना निकला तो अशुद्धि के साथ था, अब जब उसको हमने
एक ताप, दो ताप, तीन ताप, 16 ताप तक लेके गए, और जब वो प्योर सोना निकल के आया तो हमने जाना कि हाँ ये सोना तो अलग था, ये तो अशुद्धि इसके साथ थी, लेकिन अशुद्धि इसका स्वभाव नहीं था, अशुद्धि इसका स्वरूप नहीं था। तो हमने ये जाना, यदि वो अलग नहीं होता तो हम जान नहीं पाते कि सोना कितना अलग अलग है कि एक ही है। लेकिन जब वो अलग हो गए तो हमने जाना कि हाँ इनका तो संबंध था, बाकी ये दोनों तो अलग अलग ही थे। जैसे तुष अवकरण में भी देखे कि गेहूं अलग हो गए और ये घास वगैरह अलग हो गई, तो तब हमने जाना कि ये तो अलग अलग है। जैसे तेल और तिल है, तो जब हमने मशीन में उस तिल को डाला और वहां से तेल को अलग किया तो हमने जाना कि इसके अंदर जो तेल है वो अलग है, उसका अपना स्वभाव था और ये तिल का अपना स्वभाव था, लेकिन ये दोनों मिले हुए थे, लेकिन ये अलग अलग हैं, इसलिए हमने कहा कि इनका संबंध है। क्योंकि दो चीज जब अलग अलग हों और जब वो मिली हुई हों तो ये कहने में आता है कि ये संबंध है। अब वो अनादि से मिले हुए थे वो बात ठीक है, लेकिन वो बाद में तो भिन्न हुए, कि जैसे सिद्ध दशा में, अर्यन सिद्ध दशा में हम देखे हैं कि वो जीव सभी कर्मों से मुक्त हो गया, अब कोई भी कर्म का बंध जीव के साथ नहीं है सिद्ध दशा में। तो हमने जाना कि हाँ ये कर्म तो अलग ही थे, यदि ये जीव का स्वभाव होता तो ये जीव से कभी अलग नहीं होते, ये जीव से अलग हुए हैं, इसका मीनिंग यह है कि ये जीव से अलग ही हैं, इसलिए वो अनादि से मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। क्योंकि भिन्न कब हो सकता है कोई चीज, जब वो पहले से भिन्न हो। अगर कोई भी चीज है वो भिन्न तभी हो सकती है जब वो पहले जुड़ी हुई हो, अलग अलग हो लेकिन उनका संबंध हो, तो वो संबंध विवेक हो सकता है। तो वैसा ही यहाँ है कि वो बाद में भिन्न हुए तो हमने जाना कि ये भिन्न थे इसीलिए भिन्न हुए हैं, और ऐसा हम अनुमान से भी जान सकते हैं। जैसे सोना किटिका के केस में, तुष्कण के केस में, तेल तिल के केस में, जल दूध के केस में, जल और दूध को भी हम देखें कि हंस है जो वो दूध दूध को पी जाता है, जल को छोड़ देता है, तो जब हंस ने ऐसा किया तो हमने जाना कि इसमें जल मिला हुआ था। तो ऐसा अनुमान से जान सकते हैं, और केवल ज्ञान से भी, जिन्हें भगवान की वाणी से, केवल ज्ञान से जिन्हें भगवान ने ऐसा जाना, ऐसा हमको बताया, तो प्रत्यक्ष ही भिन्न भाषित होते हैं। कि अनुमान से भी हमको लगता है कि हाँ ये तो अलग अलग ही है, कि जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी यहाँ रह गई, तो मीन्स उस जो जीव था वो अलग था तभी तो भिन्न हुआ, जो ये शरीर है इससे और जो इसमें जीव है वो दोनों भिन्न थे तभी तो अलग अलग हुए, यदि वो एक ही होते तो भिन्न कैसे होते। तो ऐसा हम अनुमान से जान भी सकते हैं, ऐसा हमको देखने में भी आता है, और केवल ज्ञान से भी प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्न पना पाया जाता है, कि इसीलिए उनका जो बंधन है अनादि से होने पर भी उनका भिन्न पना है, क्योंकि वो भिन्न हुए हैं इसीलिए वो भिन्न ही हैं। चाहे वो अभी बंधन पाया जा रहा है लेकिन वो अनादि से बंधन पाए जाने पर भी वो एक रूप नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि पुद्गल जीव रूप हो गया हो या जीव पुद्गल रूप हो गया हो, जीव अपने स्वभाव रूप ही है और पुद्गल अपने स्वभाव रूप ही है। कि वो जीव और पुद्गल का, जीव और पुद्गल का बंधन होने पर भी उनमें भिन्न पना है, वो चाहे वो संबंधन अनादि से है लेकिन फिर भी वो एक रूप नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है। कि देखो अनादि से मिले हुए होने पर भी एक नहीं हुए, तो इससे विचारना चाहिए कि जब पुद्गल जो है जो कुछ जानता समझता नहीं है, जब वो अनादि से मिले होने पर भी जीव रूप नहीं हो रहा है, तो हम अपने को पुद्गल रूप क्यों माने। जब पुद्गल में कुछ समझ नहीं, पुद्गल में कोई ज्ञान नहीं है, जब वो इतनी ईमानदारी रखता है कि अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाता, तो हम विभाग रूप परिणमित क्यों हो रहे हैं, इसका हमको विचार करना चाहिए। कि हम तो ज्ञान के धारी हैं, हमें तो इतनी समझ है, हम समझ सकते हैं उस चीज को, जान सकते हैं, तो फिर हम विभाग रूप क्यों परिणमित हो रहे हैं, हम पुद्गल को अपना क्यों माने हुए हैं। जब पुद्गल हमको अपना नहीं मानता तो हम उसको अपना क्यों माने। देखो पुद्गल है, आयु कर्म पूरा हुआ, पुद्गल ने जीव का साथ छोड़ दिया, और ये जीव है कि पुद्गल में अपनी मान्यता करता रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस चीज विचार करना चाहिए हमको कि जब पुद्गल अपने रूप नहीं हो रहा तो हम पुद्गल रूप क्यों हों। तो इसीलिए
उनका बंधन होने पर भी भिन्न बना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। कि देखो, जो ये संबंध या संयोग कहा जा रहा है कि अनादि से जीव कर्म का संबंध है, अनादि से इनका संयोग हुआ है, इनका संयोग नया नहीं हुआ है, ऐसा जो ये संबंध और संयोग कहा जा रहा है वो उस भिन्नता की अपेक्षा ही कहा जा रहा है, क्योंकि हमने ये जाना है कि वो भिन्न है, वो चाहे अनादि से मिले हुए हैं लेकिन फिर भी वो भिन्न है। और जहां कोई दो चीज है जो अलग अलग है, वो चाहे नई मिली हो चाहे वो पहले से मिली हुई हो, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि इन दोनों का संबंध है, इन ये दोनों संयोग से जुड़े हुए हैं। तो वैसा ही यहाँ कहा जा रहा है कि चाहे जीव कर्म नए नए मिले हैं, अनादि से मिले हुए हैं, लेकिन ये हमने जाना कि वो भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न मिले हुए हैं, इसीलिए वो संबंध कहा जा रहा है कि ये संबंध है, इसीलिए संबंध अथवा संयोग कहना संभव है, चाहे वो अनादि से मिले हैं लेकिन फिर भी वो कहना गलत नहीं है, उसमें कोई विरोध भाषित नहीं होता कि संबंध कहने में कोई विरोध भाषित हो रहा हो कि नहीं, बस अपेक्षा ख्याल में रखनी है। उसका मतलब ये नहीं कि संबंध का कह दिया कि जीवोक्रम का संबंध है तो नए ही मिले हैं, ऐसा नहीं है। वो अपेक्षा ख्याल में रखनी है कि वो संबंध या संयोग कहा जा रहा है वो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उस अपेक्षा को ख्याल में रखते हुए इस बात को ध्यान रखना है कि बंधन होने पर भी जो भिन्नपना है और भिन्नपने की अपेक्षा वो संबंध या संयोग कहा है। इस प्रकार इन जीव और कर्म का अनादि से संबंध है, इस प्रकार जीव और कर्म का अनादि से संबंध होने में कोई विरोध नहीं है, इस जीव और कर्म का तो अनादि से ही संबंध है। अब देखो पंडित जी आगे बताने वाले हैं कि जीव और कर्म का अनादि से संबंध तो है, लेकिन जिस भिन्नपने की यहाँ पंडित जी बात कर रहे हैं कि वो भिन्नपने की अपेक्षा संबंध कहा जा रहा है, तो वो जीव और कर्मों की भिन्नता कैसे है, कि जीव अलग और कर्म अलग कैसे हैं, तो उसकी भिन्नता पंडित जी कल बताएंगे, वो मतलब कल हम उस पर बात करेंगे कि वो भिन्नता कैसे है और फिर ये बंधन कैसे होता है। कि देखो अनादि से संबंध है वो ठीक है, और जीव और कर्म को भिन्न बता रहे हैं तो भिन्न कैसे है, और जब वो भिन्न है, जीव और कर्म दोनों भिन्न है, तो उनका बंधन भी कैसे होता है। अभी आगे तो पंडित जी बताएंगे कि अमूर्तिक आत्मा है और ये कर्म मूर्तिक है, तो इनका बंधन कैसे होता है, फिर ये जो कर्म है वो हमसे कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम कल देखते हैं। अभी यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ लें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो ढो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो ढो। अभी देखो आगे आगे जैसे विषय बढ़ेगा वैसे वैसे विषय इंपॉर्टेंट भी होता जाएगा और विषय वो मार्मिक भी होता जाएगा जैसे जैसे ये ग्रंथ आगे बढ़ेगा। अभी पंचमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नमोकार मंत्र।